अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36। फिर एलुहो ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। निश्चय मेरी बातें झूठी न होंगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठलाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए और दुख की रस्सियों से बांधे जाए, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से काटेंगे। परंतु यदि वे न सुने, तो वे खड़क से नाश हो जाएंगे और अज्ञानता में मरेंगे। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते, वे तो जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नाश होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, जलजलाहट से उभर के ठट्टा मत कर और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना व तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है। वे कुहरे से मेह होकर टपकते हैं, वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैसला और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजियालों को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथ में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे, इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है।